बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के खिलाफ यूट्यूबर ने एफआईआर दर्ज करा दी है। यूट्यूबर सागर ठाकुर ने 10 के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हादसे की कहानी बताते हुए हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर से मदद की गुहार लगाई है। सागर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एल्विश ने मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एल्विश यादव 8-10 लोगों के साथ सागर से मारपीट करते नजर आ रहे थे। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी, इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पर रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पर मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पर गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी, कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों नहीं ले रहा पंगे, ये वो भाई, मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूँ, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के CM खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये FIR भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। अगर ये FIR दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो और उन पर उनको रिक्वेस्ट करो कि एल्विश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो अभी जो मैं FIR लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि FIR के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, CM खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैग से टैग किया जाए ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसके जिम्मेदार एल्विश यादव होगा या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का पूरा बदल दिया।